के खिलाफ सदर बाजार के व्यापारी फेडरेशन ऑफ सदर बाजार के वाइस चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा की अध्यक्षता में कुतुब रोड चौक पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए व्यापारियों ने थाली बजाकर प्रदर्शन किया और दिल्ली के मुख्यमंत्री से मांग की वह ऑड इवन और दो दिन का वीकेंड कर्फ्यू खत्म कर पूरी मार्केट खोलने की इजाजत दे। व्यापारी लगातार 3 दिनों से उन्होंने काले रंग की पट्टी पहनी हुई थी और नो ऑड इवन और ट्रेडर्स और इवन का विरोध करते हुए लिखी हुई तख्तियां प्रदर्शित की थी। व्यापारियों ने इस ऑड इवन व्यवस्था को खत्म करने की मांग की है। परमजीत सिंह पम्मा ने कहा, बड़े दुख की बात है, सरकार के इस निर्णय से व्यापारी आर्थिक संकट में आ चुके हैं। पहले ही 2 लॉकडाउन से व्यापारी संभल नहीं पाया है और अब इस निर्णय ने व्यापारी की और कमर तोड़ दी है। परमजीत सिंह पम्मा, वाइस चेयरमैन फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन। आज जो हमारा प्रदर्शन है वो है, जिस प्रकार दिल्ली में ऑड एनिमल चल रहा है, वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है, नाइट कर्फ्यू चल रहा है, इसके खिलाफ है कि सरकार इसको वापसी ले, क्योंकि इससे व्यापारियों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हमने पहले 3 दिन ये काली पट्टी बांध कर विरोध प्रदर्शन किया था और आज हम थालियाँ खड़का कर इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो सोई हुई सरकार जा सके और ये कानून को वापसी ले, क्योंकि वक्त इतना खराब हो चुका है व्यापारियों का, व्यापार जो है 2 दिन या 3 दिन ही खुल पाता है हफ्ते में, जिससे व्यापार करना बड़ा मुश्किल हो गया है। सरकार जो पहले भी 2 लॉकडाउन हुए हैं, ना तो व्यापारियों को कोई पैकेज दिया है, ना किसी प्रकार के व्यापारियों की मदद की है। आज व्यापारी जो भी कमा रहा है उसको अपनी जो स्कूल फीस भी भरनी है, अपनी लेबर को पैसे भी देने, EMI भी भरनी है, किराए की भी देने, सब कुछ अपने पल्ले से देना है। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि ये कानून वापसी ले, नहीं तो इसी प्रकार हम खाली बजाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे।